वरुण पुरोहित भाई, कांग्रेस के पूरे प्रोपेगेंडा, पूरे जो नैरेटिव है, खास करके लोकतंत्र और संविधान को लेकर, उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने वाली रिपोर्ट है, उसकी धज्जियां उड़ाने वाली रिपोर्ट है। वो कहती है कि भाई इस देश में, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस देश अपने लोकतंत्र को लेकर आश्वस्त हैं, खुश हैं, भरोसा रखते हैं, तो हिंदुस्तान है। और आप हर मंच से कहते नहीं थकते कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में। अनित कुमार जी, आपने जिस विदेशी एजेंसी का हवाला दिया है, विदेशी एजेंसियां तो कई इंडेक्स रेटिंग करती है, ग्लोबल हंगर पे भी और हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी। मैं विदेशी उनकी इवेल्यूएशन पे, थिंकिंग प्रोसेस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाना चाहता। सबका अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना इवेल्यूएशन का प्रोसेस। आपने बात करी संविधान की, संविधान किसने बनाया था? हमारे पूर्वजों ने बनाया था, इसलिए आज डेमोक्रेसी है, देश के अंदर लोकतंत्र है, हम डिबेट कर पा रहे हैं। और संविधान किसने बनाया था? बीजेपी ने नहीं बनाया था, या मोदी जी ने नहीं बनाया था? जैसे हो गए 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ था, 2015 में जाके कह रहे थे भारत में लोग खुशी नहीं थे, पैदा हो शर्म आती थी, पता नहीं क्या क्या कहते। जो आप बात कर रहे हो लोकतंत्र की, लोकतंत्र खतरे में क्यों कहा गया है विपक्ष के द्वारा? क्योंकि बेटियां बैठी जंतर मंतर पे। FIR दर्ज कहां से होती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जबकि तुरंत हो जानी चाहिए, वो नहीं हुई। टेनी का बेटा मर्डर केस में होता है, उसको समन दिया जाता है, चिन्मयानंद के बलात्कार का केस वापस लिया जाता है। अनेकों उदाहरण है जिसको संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, इसलिए विपक्ष ने ये बात करी। आप कह रहे हो नैरेटिव, देखिए राज्यों के चुनाव जो होते हैं, राज्यों के मुद्दों पर भी होते हैं। और अब जो संविधान की बात अगर नहीं होती है, झूठा प्रोपेगंडा नहीं था ये, सबने देखा निजीकरण से आरक्षण को नुकसान हुआ, सबको पता है। निजीकरण करने से आरक्षण कहां चला गया बताइए? वरुण पुरोहित, वरुण पुरोहित जी, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप जो कह रहे हैं, अगर उसके हिसाब से किसी डेमोक्रेसी को अगर हम अगर एक पैरामीटर मान लेंगे कि लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया, लोग कितने धरने पे बैठे, तो भाई कौन सी ऐसी सरकार है जिसके जिसके कार्यकाल में धरने और प्रदर्शन नहीं हुए? तो भाई ये तो डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है, ये तो ये दिखाता है कि भाई आप इस देश में अगर सरकार कुछ, अगर आप सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये वो सरकार नहीं है जो कि धरना प्रदर्शन करने वालों को ऊपर गोलियां चलवा रही है। भाई ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की यही तो पहचान है, और लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस से उनको अगर इंसाफ मिल रहा है, तो इसीलिए तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है अपने लोकतंत्र में। इसीलिए तो 77% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस देश का लोकतंत्र अच्छा काम कर रहा है। देखिए आप कह सकते हो, मैं फिर भी 70-77 पे नहीं जा। विदेशी एजेंसी में मेरे को कोई विश्वास नहीं, भारतीय एजेंसी आप कुछ कहते हो तो मैं उस पर विश्वास करूंगा, विदेशियों पर विश्वास नहीं। सबका अपना अपना निकाल ना, अपना थिंकिंग प्रोसेस है, अपने हमने भी लोगों से पूछा है, लोगों से पूछा, अभी थोड़ी देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, तो एक 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 और सर्वे, अभी त्वरित सर्वे जो है ना, क्विक सर्वे, अभी भी उसकी उसका उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि भाई अगर आपके हिसाब से लोकतंत्र में अगर धरना और प्रदर्शन हो रहा है, इसको अगर आप मानते हैं कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, तो मुझे लगता है कि आपको लोकतंत्र को लेकर अपनी अवधारणा में बदलाव करने की जरूरत है। नहीं, आपने क्या रेफरेंस दिया? मैंने बात किया बेटियों के धरने की, धरने के बाद FIR सुप्रीम कोर्ट दर्ज करता है क्या? बेटियों के धरने की बात हो, चाहे किसानों के धरने की बात हो, चाहे जिसके भी धरने की बात हो, भाई लेकिन इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, एक लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रहा है ना भाई। ये बताता है कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रहा है। ये लोकतांत्रिक तरीका है, सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज कराती है, किसान शहीद हो जाते हैं, ये एक साल तक धरने बैठे रहते हैं, डेमोक्रेटिक है? सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का कानून, एक मिनट, किसानों से जुड़े कानून को वापस लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था क्या वरुण पुरोहित? अरे सरकार ने ले लिया, संसद से पास कराया था क्या? संसद से पास करा के वापस लिया, कैबिनेट में लिया, मैं कह रहा हूं मैं एक ले लिया अचानक से भाई। नहीं नहीं नहीं, डेमोक्रेटिक सोच है क्या? एक साल तक किसान धरने पे बैठे रहे, आप मुझे बताइए, किसान तो डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने तो उदम मचाया, तो गलत काम किया। मोदी सरकार की सोच अनडेमोक्रेटिक थी, इसलिए बात हुई है। मैंने आपको जितने एग्जाम्पल्स दिए, वो बलात्कार के केस वापस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज कराता है, मर्डर केस में समन दिए जाते हैं। ये जो सोच थी मोदी सरकार की, उसके खिलाफ विपक्ष ने कहा। लेकिन मेरी एक बात और सुनिया, विपक्ष अगर मजबूत होता है तो 240 सीटें भी नहीं आती मोदी सरकार की। मैंने आप 6 महीने की डिबेट देख लो, आपके चैनल पे भी देख। अच्छा, लो तो विपक्ष मजबूत नहीं था, विपक्ष मजबूत नहीं था ना, मजबूती से नहीं लड़ा विपक्ष। नहीं तो राहुल गांधी को, विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी राहुल गांधी के कंधे पे, तो क्यों मजबूत नहीं कर पाए भाई विपक्ष को?
इसका मतलब ये है, नहीं नहीं इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि विपक्ष कमजोर है, इसका मतलब है कि जो जो सत्ताधारी पार्टी है वो मजबूत है, उसकी नीतियों में लोगों का भरोसा है, उसकी आर्थिक नीतियों में, उसकी सामाजिक नीतियों में लोग उसका भरोसा कर रहे हैं, तभी तो आप मजबूत नहीं हो पाए। नहीं तो आपको 99 सीटें थोड़ी मिलती, आपको आपको 200 सीटें आपको मिलती, 250 सीटें आपको मिलती। विपक्ष मजबूत होता है, मोदी सरकार ही नहीं बनती तीसरी बार में। मोदी मोदी सरकार को वोट दिए होते तो 240 की 400 पार हो जाती ना जनता इनसे, ठीक है, और आर्थिक रूप से आरपी सिंह हाँ विपक्ष मजबूती से लड़ता, आरपी सिंह मोदी सरकार तीसरी बार बन ही नहीं सकती थी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जो आप जो कह रहे हैं ना वरुण पुरोहित, मैंने तो सिर्फ उसी पे कहा कि भाई ये किसी देश में अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, उससे डेमोक्रेसी कमजोर नहीं होती, और डेमोक्रेसी के कमजोर होने का परिचायक नहीं है, उसका उसका सबूत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि सरकार ने अगर कोई फैसला वापस लिया या कोई फैसला करना पड़ा उसे जनता के दबाव में, तो ये अगेन एक अच्छी बात है, अगेन एक अच्छी बात है कि भाई लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी बात सरकार से मनवा भी सकते हैं, इसका मतलब है कि सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है। आरपी सिंह भाई, भाई इस रिसर्च की रिपोर्ट ने जो है एक तरीके से साफ कर दिया है कि भाई इस देश में लोकतंत्र में लोगों का भरोसा है, और ये इस देश की सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में भी एक मैंडेट के तौर पे देखा जाएगा, भले ही छोटा है आप इसको जिस तरीके से लें, लेकिन एक मैंडेट के तौर पे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि नहीं, धरना प्रदर्शन हो रहा था इसलिए सब सब गड़बड़ था सरकार। धरना प्रदर्शन हो रहा है तो दिखता है कि लोकतंत्र नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जंतर मंतर पार्लियामेंट में ले आता है तो इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे करना है वो पार्लियामेंट में आकर करते हैं, टेबल पे चढ़ते हैं, कागज फेंकते हैं, वो सबने देखे दृश्य। और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं तो पूरे प्रधानमंत्री जब तक बोलते हैं तब तक हंगामा करते हैं, परंतु तो इनको समझाना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर जो जो पक्ष हैं वो पार्लियामेंट है, वो कोर्ट्स हैं, वो सरकार है, वो सब पक्ष मजबूत है तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत है। अगर आज कोर्ट फैसले देती है जो सरकार के हिसाब से ठीक नहीं होते या सरकार को ठीक नहीं लगते तो डेमोक्रेसी मजबूत है। सरकार कोर्ट के कई ऑर्डर ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से ठीक नहीं या सरकार को ठीक नहीं लगते, परंतु डेमोक्रेसी मजबूत अच्छी बात है। और सरकार कई फैसले ऐसे करती है जो जन कल्याण के फैसले होते हैं, जिसमें जब हम लोग 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं, हम जब 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर करने की बात करते हैं और 5 लाख तक का इलाज देने की बात करते हैं, जब 4 करोड़ लोगों को घर पे एक मकान देते हैं, घर देते हैं, और आगे जाकर फिर 3 करोड़ लोगों को देने की बात कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी मजबूत है तभी तो लोग खुश हैं डेमोक्रेसी से कि जिस सरकार को हम चुनकर भेजते हैं वो हमारे लिए योजनाएं बनाती है। जब पूरे देश में सड़कों का पूरा एक नया जाल बिछ जाता है, नए एयरपोर्ट बनते हैं, नई रेल व्यवस्था खड़ी होती है और पानी की सुविधा होती है, घर घर में बिजली पहुंची है, अखिलेश कटिया के मजबूत होने के निशान है। ठीक है।